तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वेब सीरीज़ का अगला पार्ट आ चुका है, जो बाबा रैंचो होता है और उसका वो चेला गाइस वो गोलगप्पे बेचने लग जाते हैं। हालांकि पहले पार्ट में उनको वहां से भगा दिया जाता है, उनका पर्दाफाश हो जाता है एंड अगले पार्ट में गाइस वो गोलगप्पे बेचने लग जाते हैं, लेकिन उसकी जो हवस होती है गाइस वो बिल्कुल नहीं पूछती। जो भी कस्टमर आता है वो उससे ऐसे ही बिहेव करता है, हालाँकि उससे बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन वो जो काम छोड़ चुका होता है क्योंकि उसे उसकी तरह गाइस उसके रकम नहीं मिलती। एंड गाइस वहाँ पे एक अमर नाम का भूत आ जाता है, वो भूत को देख सकता है, तभी गाइस वो उसका पैम्फलेट लेके उस घर में ले जाता है, घनश्याम के घर में ले जाता है। घनश्याम के घर में अमर नाम का जो भूत होता है वो ऑलरेडी वहाँ पे उसे मुक्ति चाहिए होती है, इसीलिए वो उसके घर में पैम्फलेट लेके जाता है एंड घनश्याम के सामने उस पैम्फलेट को रख देता है एंड उसे गाइस कॉल कर दिया जाता है। बाबा को घनश्याम के घर पे बुला लिया जाता है एंड बाबा उनकी बहू बेटियों को देख के बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो थोड़ा खुशमिजाज टाइप का होता है, वो उन्हें देख के ललचाने लग जाता है। प्रतिभा एंड प्रेमा उनकी बहू बेटियाँ होती हैं गाइस, और प्रेमा में जो होता है वो अमर का भूत होता है, वो उससे बहुत ही प्यार करता है जब वो मरने से पहले। एंड ये सब अमर उसे बाबा को बताता रहता है कि मैं वर्षी नहीं मर गया, लेकिन मुझे वो सब करना है जो मुझे करना चाहिए था। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर आके करूँगा, तभी गाइस पापा भी खुश हो जाता है क्योंकि वो ही ये सब चाहता है। एंड अमर बोलता है कि मुझे ये सब करते हुए उसको बताना है प्रेमा को कि मैं उसका भूत हूँ, तभी गाइस उसे मुक्ति मिलेगी। तो ये उसके बीच में डील डन हो जाती है। एंड इसी के साथ गाइस बाबा जब रात को नीचे आ रहा होता है तब प्रतिमा हमें उन दोनों के भी हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। गाइस 100 एपिसोड है इस वेब सीरीज़ के, वेब सीरीज़ आज ही रिलीज़ हुई है गाइस। इसी के साथ इस दोनों एपिसोड का हमें एंडिंग सीन देखने को मिलेगा एंड अगला पार्ट इसका पक्का आएगा। इसमें बहुत ही कम हॉट सीन्स है एंड आप इसे गाइस जाके देख सकते हैं साइन प्राइम ऐप पे। तो वेब सीरीज़ का नाम है बाबा रैंचो, इसका सीज़न 2 है ये। तो 2 एपिसोड है तो गाइस चाहिए और देखिए साइन प्राइम ऐप पे।